आप देख सकते हैं ये सारे स्कूल के गार्जियन हैं जो स्कूल गुड़गांव के स्कूल के मनमानी के खिलाफ आज कमला नेहरू पार्क गुड़गांव में इकट्ठे हुए हैं। प्रशासन इन लोगों की सुन नहीं रही है, स्कूल प्रबंधन सुन नहीं रहा है। लॉकडाउन के बाद रोजी रोटी पर आफत आ गई है, ऐसे में स्कूल प्रबंधन एनुअल फीस से लेकर हर चार्ज लेने पर उतारू है। अगर कोई गार्जियन कंप्लेन करता है तो ऐसे स्कूल के बच्चों का नाम काटकर हटा दिया जाता है। तो आज देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में गुड़गांव के स्कूल के गार्जियन यहाँ इकट्ठे हैं अपनी बात रखने के लिए प्रशासन के सामने और मीडिया के सामने। तो गुड़गांव से आरबीएम न्यूज के लिए मैं सुरेंद्र प्रताप। ग्राम में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक सड़क पर उतर आए। बड़ी संख्या में अभिभावक पहले तो कमला नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए, फिर गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला के कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला तथा वहां जाकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभिभावकों ने जमकर नारेबाजी की। आगे देखते हैं आखिर क्या है इन अभिभावकों की मांग। मेरा नाम आकाश है, मैं यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन से हूं जो कि एक सामाजिक संस्था है जो समाज कल्याण जीव जंतु और पर्यावरण के लिए काम करती है। आज यहां पे हमारे इकट्ठे होने का मकसद है स्कूलों की मनमानी, स्कूल माफिया, इतनी मनमानी कि बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना में लाइव आके ये बयान दिया था कि किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा, बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं। टीचर्स का एक बड़ा बैड एटीट्यूड है, फ़ोन करते हैं कि आपके बच्चे का नाम कट जाएगा एग्ज़ाम से पहले, टीसी के ऊपर मनमानी की जा रही है। ये सभी पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से हैं और बहुत परेशान हैं। आज कोरोना काल के बाद लोगों को खाने पीने की या डेली सर्वाइवल की जो है उसमें भी प्रॉब्लम चल रही है, डेली सर्वाइवल में भी प्रॉब्लम चल रही है। कितने लोग बेरोजगार हो गए इसका आंकड़ा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद सरकार के पास है। उसके बावजूद बच्चों के नाम पर पेरेंट्स को इतना टॉर्चर किया जा रहा है जिसकी की कोई हद नहीं है। ना सिर्फ मेंटल हेल्थ फाइनेंशियल हेल्थ खराब हुई है कोरोना से, वो एक बीमारी थी जो कि हमारी बाहर से आई थी, बाहरी प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर अटैक किया जा रहा है। बात कहना चाहता हूँ ये सिर्फ सिद्धेश्वर स्कूल की घटना नहीं है, हमारे यहाँ पे अल्पाइन स्कूल के भी पेरेंट्स आए हुए हैं। यहाँ पे आए हुए हैं विधायक जी से मिलने गुड़गांव के, और हमारा इशू है जो एनुअल चार्ज के लिए स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमने एक ज्ञापन विधायक जी को सौंपने के लिए आए हैं लेकिन विधायक जी यहाँ पे नहीं है, ये उनके लिए बता रहे हैं, वो शहर से बाहर है, जबकि हमें पता था कि सुबह वो किसी प्रोग्राम में है, चार आठ मतलब हमारे समाज में किसी प्रोग्राम के अंदर है वो, ठीक है जी। यानी विधायक जी मिलना नहीं चाह रहे, विधायक जी मिलना नहीं चाह रहे, पीए को सामने दे दिया। हमारे आने से पहले यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी, जबकि हमने बड़ी शांति से मार्च करते हुए हम यहाँ तक आए हैं और हमने ट्रैफिक नियमों का और कोरोना के नियमों का पूरा पालन किया है। हम ये चाहते हैं जो ज्ञापन हम अभी यहाँ पे सौंप रहे हैं उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, स्कूलों की मनमानी बंद हो। ऐसा कौन सा शासन है ये जहाँ पे 70 साल के आदमी को धूप में खड़े होकर विधायक के गेट पे आना पड़ रहा है। महिलाएं भी काफी संख्या में आई हुई, देख रहे हैं कि काफी संख्या में महिलाएं भी आई हुई है, क्या आए हुए हैं। बोलिए बोलिए। हमारा ये है, मेरा नाम चौधरी दीप चंद है, मैं पटेल नगर सुधार मंडल का प्रेसिडेंट हूँ RWA से जी, और रेड क्रॉस और अपना इसमें भी मेरा पार्टन हूँ मैं। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जब आपने हमारे बच्चे को आधा घंटा पढ़ाया, हाँ, उसकी समझ में नहीं आया दोबारा पूछा आप बताते नहीं हो। हाँ। हर आदमी लैपटॉप या मोबाइल खरीद नहीं सकता, ठीक, और कंप्यूटर ले नहीं सकता, ले भी ले तो उसे चलाना नहीं आता। ये किस बात की फीस मांग रहे हैं हमसे, इन्हें एनुअल चार्ज भी चाहिए, बढ़ी हुई फीस भी चाहिए, स्कूल इंस्पेक्टर का भी चाहिए, कंप्यूटर चार्ज भी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो ये है हम कोई फीस नहीं देंगे, जो जेन्युइन फीस है
उसको भी आधा किया जाए। हमारे सिद्धेश्वर स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, फोर्थ ई सेक्शन है, अंश नाम है बच्चे का, उसको स्कूल से निकाल दिया है। ट्यूशन फीस वन मंथ में 170 रुपये, 28 रुपये ट्यूशन फीस, 2800 रुपया, 170 रुपया हमसे फाइन लिए गए, हमारे पास चेक डिटेल्स है, हमने दिए हैं स्कूल में। दूसरा सेकंड उन्होंने मांगे, हमारे पास गुंजाइश नहीं था, मैं किडनी के पेशेंट हूँ, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन वन मंथ फी हम दिए, सेकंड मंथ के लिए भी हम कर्जा काट के पैसे मिले, ठीक है देंगे, लेकिन आप एनुअल फीस हमें माफ करो। सुरेन है, सुरेन सिसोदिया, और मेरा बेटा एल्पाइन स्कूल में है अभी। मैं इटालियन मल्टीनेशनल कंपनी में पहले कार्यरत था, क्योंकि कोरोना इटली में पहले ही आ गया था, तो जनवरी में हमें बोल दिया था कि आपकी जॉब नहीं रहेगी, आप अपनी जॉब चेंज कर लीजिए। अब मार्च में जब बच्चों के स्कूल हुए तो इंडिया में भी कोरोना पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा थे, इंडिया में लॉकडाउन लगा दिया। जब लॉकडाउन लगाया तो इन्होंने पूरे एग्ज़ाम स्कूल वालों ने लिए नहीं है, स्कूल ने पूरे एग्ज़ाम नहीं लिए, तो उन्होंने रिजल्ट भी अभी लास्ट क्लास का दिया नहीं है, तो लास्ट क्लास के रिजल्ट ना देने की वजह से बच्चा न्यू क्लास में एडमिट कहीं भी नहीं हो पाया। और पहले इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस के बाद चलाई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन ने यह कहा था कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत किसी भी बच्चे का नाम ना काटा जाए, लेकिन स्कूल वालों ने अगस्त ऑनवर्ड्स सब बच्चों के नाम निकाल दिए हैं जिन लोगों ने फीस नहीं दी है। तो ये बड़ी मतलब दुखद है, क्योंकि मेरा बेटा हर सब्जेक्ट में टॉपर था, और जी वैसे वो फर्स्ट क्लास में था जी, अब वो सेकेंड क्लास में है। और स्कूल का नाम क्या है? एल्पाइन कॉन्वेंट स्कूल। एल्पाइन कॉन्वेंट स्कूल वालों का कहना है कि स्कूल कुछ भी अपनी मर्जी से चार्ज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि स्कूल अपना चार्ज करेगा, और बिना चार्ज के हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। मेरा नाम कविता रस्तोगी है, हम लोग अभी गए थे इनके मैनेजमेंट के पास, तो सिद्धेश्वर पब्लिक स्कूल, तो हमने कहा प्रिंसिपल से तो क्या बात करेंगे, तो एक एम्प्लॉई है, तो हम लोग इनके मैनेजमेंट के पास गए थे, उन लोगों से हमने बोला सर आप कुछ हमारे लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप 8-8 लाख रुपये फेसबुक पर डाल रहे हैं कि हम लोग दान कर रहे हैं, हम लोग इतना खाना खिला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया सर। तो हमने कहा कि हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम एक बच्चा तो छोड़ो, हमारे पास तो दो बच्चे हैं, हम कहाँ से भरेंगे, एक सीनियर विंग में और एक जूनियर विंग में, उसकी भी बहुत हाई है। तो उन लोगों ने कहा मैम हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर से ऑर्डर आते हैं, और अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप वहाँ से लिखवा लाइए, हम आपके 1 रुपया भी नहीं लेंगे, अदरवाइज आप हमसे टाइम ले लीजिए, 1 महीने बाद आपको देना पड़ेगा। मायसेल्फ गगन, सिद्धेश्वर, मेरे बच्चे सिद्धेश्वर में पढ़े सेक्टर 9 वाले ब्रांच में, उनमें अगर उन्हें बुक खरीदना है क्योंकि उनको बेनिफिट होता है, स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए वो उनको बेनिफिट होता है, तो वो तो सारा प्रोवाइड करा देंगे, पर जो नेसेसिटी होती है, जो प्रॉब्लम्स आती है पेरेंट्स को, उसमें कोई ध्यान नहीं देता। एनुअल चार्जेस क्यों देंगे हम, कंप्यूटर फीस क्यों देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हम ट्यूशन फीस के लिए मना नहीं कर रहे, हमने जमा करा है रेगुलरली, बट इसके लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है। माई नेम इज़ मंजू मित्तल, मेरी बेटी सुदेश स्कूल में पढ़ती है क्लास 2nd ए, मतलब मेरी बेटी का मतलब स्टार्टिंग से कोई जूम क्लास ऐप नहीं ली उसने, एक भी नहीं ली ऑनलाइन क्लासेस, उसके बावजूद मेरी बेटी का नाम रिमूव कर दिया ग्रुप से, ना वो पढ़ पा रही है, उसको अभी भी कुछ नहीं आता है क्योंकि ऑनलाइन क्लास नहीं ले रही है, हमने फीस पे की है, और जबकि हमारे मतलब फैमिली में कोरोना पॉजिटिव बंदा था, मैंने मैम को बोला मैम हमारे पास पैसे नहीं हैं, कोरोना पॉजिटिव है हमारी फैमिली में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिमूव कर दिया, नहीं मानी। फिर हमने लोन लिया है, 20,000 का लोन लिया है, 11,200 रुपये उनको पे किया है, कंप्यूटर चार्ज एक्स्ट्रा लिया है उन लोगों ने, कह रहा है कुछ भी करो हमें नहीं पता, हम फीस लेंगे नहीं तो आपका बच्चा ऐड नहीं होगा। फिर हमने उन लोगों को लोन लेके पे दिया, अब हम लोन की किस्त दें या इनको चार्ज दें, अभी फिर मतलब ये आ गया 14 सितंबर को फिर से फीस दो, अभी 14 सितंबर को हमारे पास फीस नहीं है, अब हम क्योंकि पहले हम लोन लेके फीस पे की है, हमारी छोटी सी शॉप है सदर बाज़ार में, हमारे पास नहीं है इतना बड़ा काम जो हम दे सके, सारे मतलब मिडिल क्लास लोग हैं इस स्कूल में। हम जो ट्यूशन फीस हम दे रहे हैं, ट्यूशन फीस बनता है, चलो शिक्षकों को वेतन मिल रहा है, यहाँ तक एक बार मतलब हम पेरेंट्स बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ बर्दाश्त से बाहर है। और अगर उन्होंने ये इसको क्लियर नहीं करा, क्योंकि कई बार क्या होता है फैसला लेने में इतनी देर हो जाएगी, ट्यूशन फीस देते देते वही टाइम आ जाएगा, तो अगर उन्होंने जल्दी फैसला हमारे प्रयासों से आए या कैसे भी आए, तो अगर फैसला जल्दी से जल्दी नहीं दिया तो अगले महीने से हम सब इकट्ठे हुए ट्यूशन फीस भी बंद कर देंगे। बिल्कुल। सिद्धेश्वर पब्लिक स्कूल जो गुरुद्वारा रोड पे, कल ही गए थे, 3 प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए, वो उनका साफ ही कहना था आपको कुछ भी करना कीजिए फी तो हम लेंगे, ठीक है, चोरी करो डकैती डालो मुझे नहीं मतलब है, फी एग्जैक्टली
प्रिंसिपल ऐसा कह रही है, बट हम आपका एनुअल फी लेंगे, हम माफ़ नहीं कर रहे। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ RBM न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। RBM न्यूज़, हमेशा सच के साथ।